एंटरटेनमेंट। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा? किधर से ला के देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास दो किडनी होती है। दो? लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया, बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। टमाटर क्या मायला तेरे को? अबे अभी सचमुच लग जाएगी, अभी सचमुच लग जाएगी। हाय शपथ इसके मुंह पे मारो। अरे बाबू चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया चलिए। बाबू भाली वाला लेके टमाटर का चटनी दिखा दे कुत्ते। रंगीन चद्दर कौन है पता नहीं। हाँ, मैं देवदास हूँ। परु पार रे पीटर, तेरे को नानजी क्या राणा बना के भेजा था ना, तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिछोरे बने क्या कर रहा रे? बहुत खतरा है वो नानजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरे गेम बचा देंगे। अबे नानजी से इतनी तरक्की तो यह जग मार रहे। नानजी भाई का खजाने का पता चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर है, चलिए जरा बता। खेतवाड़ी पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा है, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई भाई अब कमाल है, भाई कमाल। अबे कांजी, नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप मुन्ना भाई, आप भाई। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोगों का। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को, ये ड्रेस पहना है ना, अभी तो खाली सीटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी। फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं बेचने का, आंख और किडनी नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ, जल्दी आओ, कम ऑन।
एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना? धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ, गुरु घंटाल आदमी है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे। चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है ना मालूम है आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना, 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर यार, 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेष छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबू भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबू भैया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे, नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को, मारकर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए, ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है, मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है, मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता? अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा। उसकी फिक्र मत।